हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, याद रखिए पूछा जा सकता है, और उस क्वेश्चन की जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे, बस चीज़ों को समझेंगे। आपने 3 पेपर दे दिया, आपको अच्छे से ये बातें समझ आ गई होंगी कि जो आप रटा हुआ एक शब्द याद नहीं हो पाएगा, रटा हुआ एक चीज़ आप एग्ज़ाम्स में नहीं लिख पाएंगे, आप वही चीज़ें लिखेंगे जो चीज़ों को समझ गए हैं। समझ के अपने भाषा में ही लिखना बीएड का एग्जाम्स कहलाता है दोस्तों। तो आइए हिस्ट्री के बारे में कुछ समझते हैं, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री का इतिहास क्या है, सॉरी हिस्ट्री तो खुद एक इतिहास है, इतिहास का इसका अर्थ क्या होता है और परिभाषा, इन चीज़ों को शब्दों को छोड़ दीजिए। इतिहास किसे कहते हैं? जो भी घटनाएँ आपके पास्ट में घटी हैं ना, जो भी घटनाएँ आपके अतीत में घट चुकी हैं, उसी का जानकारी रखना, या फिर कोई ऐसी तथ्य जो पास्ट में थी, जो अतीत में थी और उसकी आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं या अतीत कहते हैं। पहले इसकी उत्पत्ति देखिए, इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, और हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनान भाषा के हिस्टीरिया शब्द से हुई है, ठीक है। यूनानी भाषा में हिस्टीरिया का अर्थ होता है जानना या ज्ञात करना, अर्थात इतिहास वह अध्ययन है जो पृथ्वी पर, याद रखिए पृथ्वी पर भूतकाल में जो कुछ घटित हुआ है उसकी जानकारी कराता है। समझ में आ गई? आसान भाषा में समझ जाइए, आपकी पृथ्वी पर जो कुछ भी घटनाएं भूतकाल में हो चुकी हैं उसी की जानकारी करना इतिहास कहलाता है। समझ आ गई? बीडी घाटे ने क्या कहा था, यह इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रतिवेदन है। समझ में आ गया? भूतकाल में जो भी घटनाएं घटी हैं उसी की जानकारी रखना इतिहास कहलाती है। बस हो गया, इतना ही अर्थ और परिभाषा। अब आप अपने शब्दों में लिखिएगा, इतिहास पढ़ाया क्यों जाता है भाई, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य क्या है? इतिहास पढ़ने से लोगों को इतिहास के बारे में रुचि पैदा होगी, ऐतिहासिक कल्पना करेंगे। अच्छा मान लीजिए मैंने आपको कुछ इतिहास बता दिया, तो आप इतिहास सोचेंगे अच्छा वो कैसे करते होंगे, ऐतिहासिक जानकारी होगी और अतीत का महत्व रखेंगे कि अतीत कितना इंपॉर्टेंट था और इतिहास का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आप जानने की कोशिश करेंगे। और छात्रों में देश प्रेम की भावना होगी, क्यों? कि जब बच्चों को इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि किस कुर्बानी और किस बलिदान की वजह से हमें आज़ादी मिली, तो देश हित की भावना जगेगी। अंतर्राष्ट्रीय की ज्ञान होगी भाई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का ज्ञान होगा, और ऐतिहासिक समाज की क्षमता वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनेगी, ऐतिहासिक समाज में आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ेंगे और मानचित्र की समझ होगी कि मानचित्र क्या होता है और कैसे क्या होता है। समझ में आ गई? शिक्षण का क्या उद्देश्य है, सो अपने भाषा में लिखिए, मैं कुछ पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ बस, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इतिहास के स्रोत या स्रोत पद्धति, यहाँ पे स्रोत कर लीजिएगा, इतिहास के स्रोत या स्रोत पद्धति क्या होता है? देखिए, इतिहास को किन स्रोतों से जाना गया है, इतिहास को किन स्रोतों से मालूम किया गया है, इसी को स्रोत पद्धति कहते हैं। देखिए, इतिहास अतीत की घटनाओं तथा तथ्यों का सत्यापित अध्ययन है, सही बात है। अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं और जो तथ्य हैं उनका पता लगाना कठिन कार्य है, इतना आसान तो है नहीं। इन्हीं तथ्यों को पता लगाने के लिए हम कुछ अवशेष, अभिलेख तथा अन्य ठोस प्रमाण का सहारा लेते हैं। नहीं समझ में आ रही बात? अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अवशेष, अभिलेख और ठोस प्रमाण का सहारा लेते हैं। अतीत में घटी हुई घटनाओं तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही स्रोत पद्धति कहलाता है, इसी को हम स्रोत पद्धति कहते हैं, कि अतीत में जो घटनाएँ घटी हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना स्रोत पद्धति। अब देखिए, इतिहास के बारे में स्रोत, इतिहास कैसे आप जान सकते हैं, 3 तरीके से जान सकते हैं। कौन? पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या हुआ? पुरातात्विक विभाग या जो भी खोज या छानबीन होती हैं उसके जरिए आप जान सकते हैं। जैसे आपको कैसे पता कि पहले सिक्के सोने के होते थे, तांबे के होते थे, चांदी के होते थे, क्यों? ये पुरातत्विकों ने बताया है। आपको कैसे पता कि कौन सी जमीन के नीचे क्या चीज़ें मौजूद थी, ये पुरातात्विक स्रोत है, ये पुरातात्विक लोग हमें बताते हैं। समझ में आ गई बात? और दूसरी चीज़ साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब कवि लेखक अपने किताबों में, अपने रचनाओं में बहुत ऐतिहासिक चीज़ों का वर्णन किया है, तो उससे हमें पता चलता है। और दूसरा मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत का मतलब हम लोगों से सुनते हैं, कहानियों के द्वारा सुनते हैं या लोगों के माध्यम से सुनते हैं अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ। देखिए, अभिलेख संबंधी स्रोत, स्मारक संबंधी स्रोत और मुद्रा संबंधी स्रोत। कोई स्मारक कहाँ कब कैसे बनी,
अब पुरानी खंडहर देखिए, उसके बारे में कौन बताते हैं? पुरातत्व बताते हैं, साहित्यिक मतलब धार्मिक स्रोत और लौकिक स्रोत। आपके धर्म की इतिहास क्या है, आपकी सभ्यता की इतिहास क्या है, यह आपके साहित्यों से पता चलेगी। और मौखिक परंपराएं मतलब बोलचाल की भाषा से आप थोड़ी सी इतिहास की जानकारी रखेंगे। अब इतिहास के स्रोत यानी कि स्रोत पद्धति के कुछ गुण बताइए। अब गुण तो ये हो गया कि भाई इतिहास का ज्ञान कराता है, ठीक है, इतिहास से रुचि रखता है, और ये सारी चीज़ें गुण आप स्वयं लिखिए। दोष देखिए, अधिक समय लगता है, कोई भी चीज़ जानने में बड़े समय लग जाता है, अधिक श्रम लगता है, और सब कोई नहीं जान सकता, जो अनुभवी होगा वही जानेगा, और छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयुक्त नहीं है, छोटी कक्षाओं की इसमें दिलचस्पी नहीं है। अब इतिहास शिक्षण के गुण क्या होने चाहिए भाई, या इतिहास शिक्षण का महत्व क्या होना चाहिए? प्रेरणा का स्रोत, सबसे पहले इतिहास का जो शिक्षक होगा वह बच्चों को प्रेरणा देगा, यानी कि या फिर ये भी कह सकते हैं इतिहास के शिक्षक के अंदर एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। उसको विषय का ज्ञान होना चाहिए, साहित्य के प्रति अनुराग और इतिहास विषय का ज्ञान, और कथावाचक होना चाहिए, यानी कि जो साहित्य का शिक्षक है वो कथावाचक होना चाहिए, ताकि वो कहानियों के माध्यम से बच्चों को समझाए। और समस्यात्मक घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए, और नागरिक शास्त्र तथा भूगोल का भी ज्ञान होना चाहिए। नागरिक शास्त्र और भूगोल का जब ज्ञान रहेगा तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा। अब बात जब भूगोल की हुई है तो आइए देखते हैं कि इतिहास और भूगोल में संबंध क्या है। तो इतिहास और भूगोल में देखिए, बिना भूगोल के इतिहास संभव नहीं, दोनों की कल्पना के लिए दोनों का होना अति आवश्यक है। वही लिखा है कि इतिहास के बिना भूगोल तथा भूगोल के बिना इतिहास, दोनों की कल्पना करना लगभग असंभव है। क्यों? क्योंकि दोनों सामाजिक विषय के ही विषय हैं, और इतिहास के अध्यापक पर इतिहास के अध्यापक पर भूगोल का अध्यापक भी प्रायः, यहाँ पे प्रायः होगा, इतिहास के अध्यापक को प्रायः भूगोल का भी अध्यापक मान लिया जाता है। इतिहास इस बात की गवाह है, साक्षी है कि अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर भूगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव रहा है। सही बात है, जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं उसके अंदर भूगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव है। अब जैसे मान लीजिए नदी नाले सागर पहाड़ मरुस्थल जलवायु आदि भौगोलिक दशाएं तथा तत्व किसी देश के इतिहास को भी प्रभावित करते हैं और किसी देश के इतिहास को भी बताते हैं। अब इतिहास और पाठ्यक्रम देखिए, सबसे पहले तो आप पाठ्यक्रम के बारे में खूब जानते हैं कि पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। यू क्यूरे वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है कि दौड़ का मैदान। अब पाठ्यक्रम के आपके बारे में बताएं, तो पाठ्यक्रम और इतिहास का पाठ्यक्रम दोनों सेम है, आप अपने मन से लिखिएगा। एक अच्छे पाठ्यक्रम की क्या विशेषता होती है, ठीक है, सबसे पहले ये शिक्षक के लिए महत्व होता है, या फिर एक अच्छे पाठ्यक्रम का क्या महत्व होता है? तो सबसे पहले ये शिक्षक के लिए महत्व, अब शिक्षक के महत्व हेडिंग बन जाएगी आपकी, और इसमें क्या लिखेंगे, विषय को समझने में, ठीक है, विषय को अच्छे से पढ़ाने में श्रम कम लगेगा। तो ये सारी विद्यार्थी के लिए क्या महत्व हो जाएगी, विद्यार्थी के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हो जाएगा, समय सीमा निर्धारित हो जाएगी, और विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और आज का महत्व नहीं, यहाँ पे समाज का महत्व होगा कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो समाज को अच्छा बनाए। तो ये सारी चीज़ें हो गई पाठ्यक्रम का महत्व। ये तो फिर फर्स्ट पेपर पाठ्यक्रम की चीज़ें हैं, वो आप स्वयं लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ शिक्षण विधियाँ हैं, इतिहास से कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियाँ हैं जो पूछा जा सकते हैं। सबसे पहले कथन विधि, भाषण विधि, देखिए इसको व्याख्यान विधि कहते हैं। व्याख्यान विधि होता क्या है, इस विधि में शिक्षक द्वारा छात्रों को ज्ञान दिया जाता है, उसका मुख्य स्रोत के केंद्र बिंदु क्या होता है भाई, स्वयं शिक्षक होता है। ओके, इस विधि के अंतर्गत शिक्षक संबंधित विषय वस्तु को पहले से तैयार करके कक्षा में छात्रों के समक्ष भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है, आपको लेक्चर दे के पढ़ाएगा, उसी को व्याख्यान विधि, कथन विधि या भाषण विधि कहते हैं। चीज़ों को बस समझिए। अब देखिए व्याख्यान विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी के समूह को मौखिक रूप से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। नहीं समझ में आ रहा, अब देखिए क्या होता है, व्याख्यान विधि में बच्चों को, अकेले बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है, पूरे एक समूह को पढ़ाया जाता है, और किस माध्यम से पढ़ाया जाता है, मौखिक रूप से बोलकर पढ़ाया जाता है, भाषण देकर पढ़ाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं भाई, व्याख्यान विधि। अब व्याख्यान विधि का गुण क्या होगा कि एक साथ सभी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी, एक साथ बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, एक जगह पे पढ़ाया जा सकता है, तो ये इसके गुण हो गए। इसका दोष क्या होगा भाई, इसमें बच्चों को समझाना मुश्किल है, एक एक बच्चे तक बात पहुंचाना मुश्किल है, और बच्चों की रुचि का ख्याल नहीं रखा जाता है, तो ये थोड़ी बहुत गुण हो गई व्याख्यान विधि की। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बस दिमाग में रखिए। अब ये सारी चीज़ें बस समझ गए तो अपने शब्दों में आपको लिख देना है। अब आइए बात करते हैं इतिहास की श्रव्य दृश्य सामग्री, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होता है, अब देखिए श्रव्य क्या मतलब होता है, सुनना,
दृश्य क्या मतलब होता है देखना, और श्रव्य दृश्य का मतलब होता है देखना सुनना दोनों। श्रव्य सामग्री का मतलब क्या हो गया भाई, श्रव्य सामग्री का मतलब इतिहास शिक्षण या इतिहास अध्ययन के क्षेत्र में ऐसे सामग्रियों का इस्तेमाल जिससे बच्चे सुन के सीखते हों या जिससे बच्चे सुन के इतिहास के बारे में जानते हों, उसको श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे क्या होगा भाई, रेडियो, रेडियो हो गया, और भी चीज़ें जैसे कि ग्रामोफोन। तो इन चीज़ों को या फिर कथाएं, कहानियां, तो जब सुन के वह सामग्री जिससे सुन के बच्चे इतिहास की जानकारी लेते हों, उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। और ये सामग्री श्रव्य इंद्रियों को प्रभावित करता है। समझ में आ गई, अपने भाषा में लिखिए इसको। दृश्य सामग्री का मतलब वह सामग्री जिससे बच्चे देख कर चीज़ों को सुनते हों, दृश्य सामग्री कहलाती है। यह सामग्री दृश्य इंद्रियों को प्रभावित करती है। अब मैं आपसे पूछूं कि टेलीविज़न, टीवी कौन सी सामग्री है, टीवी बताइए कौन सी सामग्री है, क्या टीवी दृश्य सामग्री है कि श्रव्य सामग्री है? अगर आपका जवाब है श्रव्य सामग्री है तो भी ये जवाब गलत है, क्योंकि टीवी जो है वह दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों होती है। कैसे? क्योंकि टीवी को आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। समझ में आ गई। तो जिस वस्तुओं को आप सुन के और देख के दोनों तरह से आप अध्ययन करते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती हैं, और ये दृश्य इंद्रिय और श्रव्य इंद्रिय दोनों को प्रभावित करती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल रेडियो हो गया, यहाँ पे मानचित्र हो गया, ठीक है, और यहाँ पे टेलीविज़न, कंप्यूटर, जो भी चीज़ें समझ में आ गई। तो ये चीज़ें हो गई द्रव्य श्रव्य और दृश्य सामग्री। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, इतिहास का पाठ योजना। पाठ योजना पहले समझ जाइए क्या होता है। पाठ योजना शिक्षण संबंधित एक ऐसी योजना है जिसमें कक्षा में अपने शिक्षण कार्यों को प्रारंभ करने से पहले कोई शिक्षक अपने अध्ययन कक्ष में तैयार करता है। मतलब किसी बच्चे को आपको क्या पढ़ाना है, इसकी योजना आप पहले से ही क्लास के शुरू होने से पहले ही बना लेते हैं, उसी को पाठ योजना कहते हैं। मतलब वह योजना जो अध्ययन से पहले ही बना लिया गया हो अध्ययन के लिए। इसमें इन बातों का ध्यान रखना है, जैसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब तक पढ़ाना है, इन चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाता है। अब एक और पॉइंट, हम आखिरी पॉइंट इसको कहते हैं, इतिहास का मूल्यांकन। पहले आइए मूल्यांकन के बारे में देखिए। मूल्यांकन क्या होता है, किसी चीज़ को आप कर रहे हैं, बाद में उसका मूल्यांकन करेंगे इस चीज़ के लिए या जानने के लिए कि जिस उद्देश्य से वो आप काम कर रहे थे वो उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुआ, उस चीज़ को यहाँ लिखा गया है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति की मात्रा का निर्धारित करते हैं। मतलब कितनी मात्रा में आपका लक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया। समझ में आ गई। तो ये देखिए दोस्तों, मूल्यांकन हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इतिहास का पेपर देने जा रहे हैं, यकीन मानिए आप अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में कोई ऐसी दो परिभाषा जो आप किताब से याद करके गए हैं और वो आपके सेंटर तक याद है, क्लासरूम तक याद है, और उसको आपने कॉपी पे लिख लिया, आप सच बनाइए, आपको तारीफ करनी चाहिए। आई शुड अप्रिशिएट यू, क्योंकि इतिहास का क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके एग्ज़ाम्स में, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप रटे हों और उसको लिख देंगे, कोई भी एक क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन मैं गारंटी कहता हूं कि कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आप अपनी बुद्धि और विवेक से ना लिख पाएं। आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल सामान्य होंगे, जो बिल्कुल जनरल होंगे, जो बिल्कुल आपके बुद्धि विवेक से लिखा जा सकता है। इसीलिए मैंने सारे पॉइंट्स को बस टच करके समझा दिया कि मैंने बहुत ही गंदा पढ़ाया, मैं आई एक्सेप्ट इट। मैंने जो भी चीज़ें बताई थी ना बहुत शॉर्ट में, बस आपको समझा दिया कि चीज़ें होती क्या है। अब इन चीज़ों के बारे में पूछेगा क्या, इन चीज़ों के बारे में जैसे कि यहाँ पे सामने क्या दिया है, व्याख्यान विधि के गुण पूछ सकता है, व्याख्यान विधि के दोष पूछ सकता है, या फिर व्याख्यान विधि को प्रभावित करने वाले कारक पूछ सकता है। इसमें क्या होगा, व्याख्यान विधि के प्रभावित करने वाले कारक कि शिक्षक का ज्ञान, विद्यार्थियों की रुचि। तो ये सारी चीज़ें आप स्वयं बना के लिख सकते हैं दोस्तों, पूरे इतिहास के पेपर में बहुत ही आसान फॉर्मेट में आएगा। और ऐसे जनरल क्वेश्चन आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे जनरल क्वेश्चन आएगा जो आप अपने बुद्धि विवेक से लिख सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपके पास जो भी सीरीज है उसके सारे पन्ने एक बार पलट लीजिए और बस देख लीजिए क्या चीज़ें क्या होती हैं। आप बिल्कुल भी मत रटिएगा, बस चीज़ों को समझ जाइए। और इसके बाहर की चीज़ें भी आ सकती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें आएंगी जिसको आप स्वयं लिख सकते हैं। ओके,
अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सॉरी आई एम सो सॉरी कि मैं आपसे बस बातें कर रहा हूँ, बट ये बातें करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, इस वीडियो का कोई उद्देश्य नहीं है, इस वीडियो में कोई ऐसी आपको जानकारी नहीं मिलेगी जो आप नहीं जानते थे, वो सारी चीज़ें आप जानते थे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इस वीडियो के बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें इतिहास पढ़ा ही नहीं और इतिहास के बारे में वो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, तो मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतिहास का जो आपका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो इतने मुश्किल नहीं आएंगे कि आप उसके लिए चिंतित हैं, नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको आप स्वयं लिख सकते हैं। तो ये आपको एक मोटिवेट करने के लिए, आपको बस ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप बिल्कुल घबराइए मत, जो भी आपका वक्त बचा है आप पन्ना पलटिए और एक एक बार बस देख लीजिए कि किसका मतलब क्या होता है, किसके अंदर कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट हैं, पॉइंट और हेडिंग भी अपने मन से बना के एग्ज़ाम्स में लिख के आइएगा। बस एकमात्र मकसद था आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास दिलाना कि बिल्कुल घबराइए मत, पेपर ऐसा होगा जैसे आप स्वयं से उसको लिख सकते हैं। समझ में आ गई, छोटी छोटी जैसे कुछ बिंदुएं हैं आप उसको देख लीजिएगा, जैसे शिक्षक विधि और तकनीक में अंतर, ये छोटी छोटी अंतर जैसे उद्देश्य और लक्ष्य में अंतर, तो छोटे छोटे पॉइंट आप सारी चीज़ें स्वयं लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। अब आप अभी कमेंट मत करिएगा, एग्ज़ाम जब दे के आइएगा तब कमेंट करिएगा कि पेपर कैसा रहा, कैसा हुआ, क्या इस वीडियो से आपको कुछ सहायता मिली या नहीं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।